नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। मैं तुषार आपके साथ इस वक्त की बड़ी खबर आपके लिए लेकर आए हैं दर्शकों, और वो ये कि रणबीर कपूर, बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने भेजा है समन। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर को हाल ही में ईडी ने समन भेजा है। जानकारी के अनुसार जल्द ही एक्टर को ईडी एक गेमिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें कि आलिया भट्ट के पति और एक्टर रणबीर कपूर को ईडी ने समन भेजा है। बॉलीवुड के चॉकलेटी बॉय रणबीर कपूर एक बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल एक्टर को महादेव बुक ऑनलाइन बैटिंग ऐप मामले में प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी से समन मिला है। जल्द ही एक्टर को पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार रणबीर कपूर को ये समन पूछताछ के लिए भेजा गया है। हालांकि इस मामले में रणबीर कपूर से बॉलीवुड के 14 सितारों का नाम सामने आ चुका है। इस लिस्ट में सनी लियोनी से लेकर नेहा कक्कड़ तक का नाम भी शामिल है। जी हाँ, आपको बता दें ये इस वक्त की बड़ी खबर है कि बॉलीवुड एक्टर रणबीर कपूर होंगे ईडी में पेश। जी हाँ, ईडी के सामने उनको पेश होना पड़ेगा और ईडी उनसे सवालात करेगी। आपको बता दें कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये बेटिंग ऐप को लेकर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है, उसमें यहाँ पर रणबीर कपूर को समन भेजा गया है। साथ ही साथ इसमें बॉलीवुड के 14 और सितारों के नाम शामिल हैं, जिसमें इस लिस्ट के अंदर सनी लियोनी से लेकर नेहा कक्कड़ तक भी इसमें शामिल हैं। आपको बता दें कि आज ही सुबह 7:30 बजे करीब संजय सिंह, जो आम आदमी पार्टी से सांसद हैं, उनके घर भी छापेमारी की गई दिल्ली आबकारी नीति के तहत, और ये भी ईडी ने ही की थी। लेकिन अब एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि बॉलीवुड एक्टर ऋषि कपूर के बेटे आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर यहाँ पर बड़ी मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। ईडी ने उन्हें समन जारी कर दिया है और जल्द ही ईडी जो है उन्हें पूछताछ के लिए बुला सकती है। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं। ऐसे ही ताज़ा बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें और देखते रहें नेक्स्ट नाइन न्यूज़। धन्यवाद।